शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनवीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारा देश भारत इस वर्ष अपनी 74वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। इसे उपलक्ष में दिग्रस के कलाश्री ग्रुप के कलाकारों द्वारा मेरा देश मेरी देशभक्ति नामक शॉर्ट फिल्म रिलीज की जा रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर इनवीसीएन ने इस शॉर्ट फिल्म की टीम से मुलाकात की है। आइए देखते हैं। देशभक्ति दिखाने के लिए जरूरी नहीं कि हम बंदूकें तान कर देश की सीमा पर तैनात हो जाए, बल्कि देश को आगे बढ़ाने में हम जिस भी क्षेत्र में कार्य करते हैं उसी में अपनी पूरी निष्ठा और समर्पण भाव से काम करें तो वही एक तरह की देशभक्ति है। कुछ इसी आशय का संदेश देने की कोशिश दिग्रस के कलाश्री ग्रुप ने की है। 15 अगस्त के मौके पर यह ग्रुप मेरा देश मेरी देशभक्ति इस शॉर्ट फिल्म को यूट्यूब पर रिलीज करने जा रही है। इस मौके पर इनवीसीएन ने इस फिल्म में अपने काम के जरिए अपने अपने अंदाज में अपनी देशभक्ति का इजहार करने वाले कलाकारों से बातचीत कर उनसे उनकी भूमिका के बारे में बातचीत की है। 15 अगस्त के मौके पर दिग्रस का कलाश्री ग्रुप जो है ये एक फिल्म रिलीज करने जा रहा है। ये एक शॉर्ट फिल्म है, इस बारे में हमको कुछ जानकारी हासिल करना है और आज इसके सदस्य हमारे साथ मौजूद है। मैं आपको बता दूं कि एक जमाने में कॉलेज के वक्त कलाश्री ग्रुप कई तरह के ड्रामे करता था और इतना ही नहीं, इस ग्रुप ने कई तरह के पुरस्कार भी जीते हैं जो राष्ट्रीय स्तर के थे। हमारे साथ मेरा देश और मेरी देशभक्ति इस फिल्म के डायरेक्टर और पूरी टीम है, आइए उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि ये फिल्म आपने डायरेक्ट की है और ये शॉर्ट फिल्म है, क्या बताना चाहेंगे इसमें, क्या संदेश आप दे रहे हैं लोगों को? देखिए, कल गणतंत्र दिन है और सोशल मीडिया पर हर तरीके से लोग शुभेच्छा देंगे, तो हमारे ग्रुप ने तय किया कि क्यों ना एक शॉर्ट फिल्म बनाए और शॉर्ट फिल्म के माध्यम से हम शुभेच्छा दें, तो इसीलिए हमने ये शॉर्ट फिल्म बनाई है। और एक जगह महात्मा गांधी जी ने कहा है कि आपको अगर देशभक्ति जताना है तो आपको सीमा पर जाने की जरूरत नहीं है, आप जो क्षेत्र में काम कर रहे हो वो भी अगर आप ईमानदारी से करते हो तो वह भी एक तरह की देशभक्ति है। तो यही हमारी थीम है कि आप अपने क्षेत्र में ईमानदारी से काम करो और अपनी देशभक्ति जाहिर करो। इसी तरह से मेरा देश मेरी देशभक्ति इस फिल्म के अन्य किरदार जिन्होंने निभाए हैं वो कलाकार भी हमारे साथ में हैं। आइए जानते हैं उनकी क्या राय है इस फिल्म के बारे में। मेरा इसमें रोल एक शिक्षक का है। मुझे ऐसा लगता है कि जो शिक्षक का जो काम है वो उससे बेहतरीन देशभक्ति दूसरी कोई हो नहीं सकती, इसलिए जब मुझे इस रोल के बारे में पता चला तो मुझे बहुत अच्छा लगा और इसलिए मैंने यह रोल किया। फिल्म में आपका जो रोल है वो किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? एक किराना व्यापारी का, जो कि मैं जो बना हूँ इस फिल्म में। उस व्यापारी का मानना यह है कि बिजनेस में प्रॉफिट कम मिले जमेगा, लेकिन ग्राहक के साथ दगाबाजी होना जरूरी नहीं है, उसके साथ पूरी निष्ठा से रहो, ये भी एक प्रकार की देशभक्ति है, ऐसा मेरा मानना है। आप बताइए, आपने किस तरह का एक मैसेज देने की कोशिश की है इस फिल्म के जरिए? मेरी इस शॉर्ट फिल्म में एक छोटी सी फैमिली है और छोटी सी फैमिली और दो बच्चों का होना ये भी शायद देशभक्ति की ही एक निशानी है, ऐसा हमने इस फिल्म में दर्शाने की कोशिश की। ये बताइए, आपने भी एक रोल किया है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का मैसेज है इसमें? मैं एक सफाई कामगार हूँ, सफाई करना ये भी एक देशभक्ति है। 15 अगस्त को दिग्रस के कलाश्री ग्रुप के कलाकारों द्वारा मेरा देश और मेरी देशभक्ति ये फिल्म रिलीज होने जा रही है। ये फिल्म जो है कोरोना के योद्धाओं को समर्पित है। हालांकि ये फिल्म जो है 3.5 मिनट की है, लेकिन इस शॉर्ट फिल्म में जो मैसेज दिया गया है वो कई गुना बड़ा है। इनवीसीएन न्यूज के लिए जुबैर खान, दिग्रस।